चलिए रुकते हैं अगली बड़ी खबर का, शॉकिंग न्यूज का। इस साल लगातार छटके झेल रही फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक और बुरी खबर आई है। फिल्म स्टार संजय दत्त को फेफड़े का कैंसर डिटेक्ट हुआ है। इसके इलाज के लिए संजय दत्त अब से थोड़ी देर बाद न्यूयॉर्क के लिए रवाना होंगे। संजय दत्त न्यूयॉर्क के स्लोन कैटरिंग कैंसर सेंटर में इलाज कराएंगे। उनकी मां नरसिंह दत्त का भी यहीं पर इलाज हुआ था। संजय आज ही न्यूयॉर्क के लिए निकल रहे हैं। अब से थोड़ी देर में सुबह 10:45 पर वो अमेरिका के लिए उड़ान भरेंगे। सांस में तकलीफ के बाद हाल ही में संजय दत्त को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कैंसर की पुष्टि होने के बाद संजय दत्त ने एक ट्वीट भी किया और लिखा कि काम से ब्रेक ले रहा हूं, जल्द लौट कर आऊंगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस साल जिस तरह से बॉलीवुड से एक के बाद एक कई शॉकिंग न्यूज आई है, उसी कड़ी में ये एक और हैरान करने वाली खबर है। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को फेफड़े का कैंसर डिटेक्ट हुआ है। चलिए इस खबर पर और ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता संकेत पाठक हमारे साथ मुंबई से बने हुए हैं और साथ में हमारे साथ डॉक्टर राहुल भार्गव जो कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे इस मुद्दे पर। सबसे पहले मैं संकेत आपका रुख करूंगा, अभी क्या अपडेट है, कब वो अमेरिका के लिए रवाना हो रहे हैं और डॉक्टरों ने क्या सलाह दी है आगे के इलाज के लिए? देखिए आपको बताऊं कि कल देर शाम को संजय दत्त की जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आई थी और बताया गया था कि उन्हें एडवांस स्टेज का जो लंग्स कैंसर है यानी फेफड़ों का कैंसर है वो डिटेक्ट किया गया था। 8 तारीख को उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती किया गया था। उसके बाद 10 तारीख को हालांकि वो डिस्चार्ज हो गए थे, लेकिन उसके बाद ये रिपोर्ट सामने आई है। आपको बताऊं कि आज संजय दत्त अमेरिका के लिए रवाना हो सकते हैं। स्लोन जो कैंसर अस्पताल है जहां पर उनकी मां का भी कैंसर का इलाज किया गया था, वहीं पर उनका इलाज हो सकता है, इस तरीके की खबरें आ रही हैं। हालांकि परिवार की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि आज परिवार की तरफ से एक बयान जारी किया जा सकता है जिसमें उनकी तबीयत के बारे में और आगे किस तरीके से उनका इलाज किया जाएगा इस बारे में जानकारी दी जा सकती है। फिलहाल जानकारी हमारे पास यही है कि आज संजय दत्त अमेरिका के लिए रवाना हो सकते हैं और जब पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो उनका इलाज है वो सुचारू रूप से शुरू किया जाएगा। ठीक है संकेत, हमारे साथ डॉक्टर राहुल भार्गव भी बने हुए हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर राहुल आपसे जानना चाहूंगा, एक तो लोगों के जहन में जैसे ही कैंसर का नाम सामने आता है एक डर एक खौफ जो है वो दिल में पसर जाता है, स्टेज 4 का लंग्स कैंसर, किस तरह से इसका आगे ट्रीटमेंट होगा और न्यूयॉर्क के जिस हॉस्पिटल का ये नाम लिया जा रहा है इसको लेकर आप क्या कहेंगे? एक बहुत दुखद बात है कि इस साल बॉलीवुड में काफी लोगों को कैंसर से उनकी मृत्यु हुई है। हमारी संवेदनाएं सारी संजय दत्त जी के साथ में है, बट ये समझना जरूरी है जो लोग स्मोकर्स होते हैं उनको लंग कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है। लंग कैंसर 2 प्रकार का होता है जिसमें नॉन स्मॉल सेल और स्मॉल सेल कार्सिनोमा होता है। नॉन स्मॉल सेल में भी 2 प्रकार के होते हैं, स्क्वेमस और एडिनो कार्सिनोमा। बट अब जिस प्रकार से रिसर्च बढ़ती जा रही है हम इनमें म्यूटेशंस फाइंड कर सकते हैं जिसका ओरल गोलियों के माध्यम से इलाज हो सकता है। तो स्टेज 4 का मतलब है कि बीमारी लंग से निकल के पूरे शरीर में फैल चुकी है। तो जैसे ही वो अस्पताल में जाएंगे उनका पेट स्कैन होगा, पेट स्कैन होने के बाद बायोप्सी पे स्पेशलाइज टेस्ट किए जाएंगे जिससे ये पता चलेगा कि कौन सी प्रकार की ओरल दवाई दी जा सकती है। तो जब हम सुनते हैं कि बहुत सारे लोग मेमोरियल स्लोन कैटरिंग जाते हैं न्यूयॉर्क में, ऐसा नहीं है कि दवाइयां हिंदुस्तान में उपलब्ध नहीं है, बट बहुत सारी रिसर्च दवाइयां जो अभी रिसर्च में चल रही हैं और ट्रायल्स में चल रही हैं उनका प्रयोग करके लाइफ को बढ़ाया जा सकता है। पर अगर एडिनो कार्सिनोमा है, जैसे हम जानते हैं संजय दत्त जी की स्मोकिंग की हिस्ट्री रही है, तो एडिनो कार्सिनोमा होने के चांसेस ज्यादा है। और अगर एडिनो कार्सिनोमा है तो पॉसिबिलिटी यही है कि आयु जो प्रोग्नोसिस होता है वो 2 से 4 साल के करीब होता है, और अगर ओरल दवाइयां काम करती हैं, अगर कारगर साबित होती हैं, तो आयु को प्रोलॉन्ग किया जा सकता है। और डॉक्टर राहुल जिस तरह से ये जेनेटिकल अनुवांशिक जिस तरह से तौर से चल रहा है, उनकी मां को भी कैंसर हुआ था, बीवी को भी कैंसर हुआ था, अब खुद संजय दत्त इसके शिकार हुए वो भी स्टेज 4, तो ये ट्रीटमेंट इस वक्त किस तरह से, क्या बीमारी जल्दी डिटेक्ट हो जाती है, क्या पॉसिबल होता है? क्योंकि बहुत सारे से बॉलीवुड एक्टर इरफान खान विदेश गए थे, उनका कैंसर ठीक नहीं हुआ था, सोनाली बेंद्रे वो विदेश गई थी उनका ठीक हो गया था। तो अलग अलग जो स्टेजेस होती हैं उनमें अलग अलग ट्रीटमेंट के होते हैं।
बिल्कुल सही, दर्शकों को यह जानना जरूरी है कि हर प्रकार का कैंसर अलग अलग है। इरफान खान को ब्रेन का ट्यूमर था, सोनाली बेंद्रे को ब्रेस्ट कैंसर था, जिसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं सर्जरी और कीमोथेरेपी के। वैसे ही लंग कैंसर है जो कि स्टेज 4 है, और संजय दत्त जी की मदर को, नरगिस दत्त जी को पेनक्रियाटिक कैंसर था। तो ये कहना कि ये अनुवांशिक है और जेनेटिकली चल रहा है, ये बहुत सून है अभी बताना, पर क्योंकि हैबिट्स ऐसी थी, स्मोकिंग की बहुत लंबी हिस्ट्री है, तो लंग कैंसर किसी को भी हो सकता है। अब ये शायद जाके जब जीनोमिक टेस्टिंग होगी तब पता चलेगा कि फैमिली में कोई हिस्ट्री ऐसी है या नहीं है, या कोई ऐसा जीन है जो फैमिली में चल रहा है जो आपको कैंसर होने के लिए ज्यादा ससेप्टेबल बनाता है। बट जब तक ये नहीं होता तो आम आदमी को ये जानना जरूरी है कि जो हैबिट्स है वही चीज है जो अपने को कैंसर के लिए आगे बढ़ाती है। तो स्मोकिंग के साथ लंग कैंसर बहुत कॉमन होता है। और ये भी जानना जरूरी है, अगर हम राजनेताओं की बात करें, मनोहर पानीकर जी को पेनक्रियाटिक कैंसर था। हर कैंसर अपने अपने चाल ढाल रंग रूप से चलता है और अपने ही तरीके से। ठीक है डॉक्टर राव, ये कह सकते हैं कि कैंसर से अब जंग संजू बाबा को लड़नी है, और हम यही कह सकते हैं कि लगे रहो मुन्ना भाई।